वेलकम बैक टू माई चैनल अनिशा डॉट बॉय पाइप। सो आप सब लोग कैसे हैं? होप आप और आपके पूरे परिवार अच्छे हो, स्वस्थ हो और सब ठीक ही हो। तो मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि क्या था कि जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो तब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन था ना, तो तब मैं थोड़ा वीडियो बना भी लेती थी, ऑनलाइन क्लास वीडियो बनाना सब मैनेज कर हो जाता था। लेकिन उसके बाद फिर स्कूल रीओपन हो गया तो फिर वीडियो मतलब कि फिर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था कुछ वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ स्टडीज पे फोकस करना पड़ रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो आज बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको खाली ये शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग जब थिंक जनवरी में हम लोग घूमने गए थे तो कहाँ कहाँ गए थे, ये एक्सपीरियंस और कैसा लगा वहाँ पे, और कहाँ कहाँ घूमने गए थे, फिर मेरे फैमिली के साथ गए थे, ये सब मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो आगे देखते रहिएगा ताकि आप लोग को पता चल सके कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। सो अभी मैं तो नाश्ता कर रही हूँ, अभी मतलब 10 तो बज चुके हैं, बहुत लेट हो गया है। हाँ तो अभी जाके लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये देखिए मैं मेरी मम्मी बैठ के खा रहे हैं, और ये देखिए हम लोग फ्राई राइस खा रहे हैं, सिंपल वाला फ्राई राइस, रेस्टोरेंट वाला तो नहीं, सुबह सुबह कहाँ से रेस्टोरेंट वाला फ्राई राइस मिलेगा, घर में जो होता है ऐसे सिंपल वाला वो वाला। तो ओके ज़्यादा कुछ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोग का बकर बकर करके। सो आप लोग बस एंड तक बने रहिएगा और देखते रहिए कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। ओके सो गाइज आप लोग यहाँ पर यहाँ पे क्या लिखा है कि एक ही हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया है जनरेटर कोडेकानल। तो आप लोग को जो यहाँ जो दिख रहा है ये घर जैसा, ये बट ये घर नहीं है, ये कॉटेज है, और इस कॉटेज का नाम कृष्णा कॉटेज है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि इस कॉटेज का नाम कृष्णा कॉटेज नहीं है। इस कॉटेज का नाम क्या है ये मुझे खुद याद नहीं, और ना ही मेरे घर पर किसी को याद है, तो मैं आप लोग को ठीक से नहीं बता सकती कि इस कॉटेज का नाम क्या है। बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप लोग कभी कोडेकानल जाए तो और भी ऊंचा है लेकिन दिखाई तो नहीं देगा, ये कॉटेज दिखाई नहीं देगा मतलब वो और बहुत अंदर की ओर है, अगर आप लोग खुद जाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। नहीं जी सबसे ऊपर रूम, हम लोग का रूम वो कहाँ से दिखाई देगा, तो बहुत ज्यादा प्रेटी है। और एक और बात, जब हम लोग इस टाइम गए थे तब उस कॉटेज में कोई भी दूसरा कोई और स्टे नहीं कर रहे थे, जो भी एक जन मतलब मेरे फैमिली जो हम लोग को सबसे टॉप फ्लोर दिया गया था, तो टॉप फ्लोर में सिर्फ हम लोग थे और कोई भी नहीं था, नो वन, सिर्फ मैं मेरी फैमिली बस ऊपर मतलब टॉप फ्लोर में तो हम लोग थे, नीचे कोई भी नहीं था, सिर्फ वहाँ के जो मतलब जो ओनर या मैनेजर कुछ भी बोल सकते हैं वो, और वहाँ पे एक आंटी थी, मतलब वहाँ पे क्लीनिंग लिंग करती है वो आंटी बस, और कोई भी नहीं था, इसलिए हम लोग को और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और मैं तो बता नहीं सकती कि मैं तो वहाँ पूरा जैसे कि लग रहा था कि मेरे ही घर है, मैं ऊपर नीचे अप डाउन पूरा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी वहाँ पे। सो आप लोग अगर कभी आए तो यहाँ ज़रूर आए करो। हाँ ज़्यादा तो निकालूँ, पूरा होटल है सर ना। हाँ सर घुसाने तो आ नहीं रहे, हाथ से पड़ से घुसाने, एक बार सामने करके वही हाथ से बचा के रखना। सो गाइस ये है सुसाइड पॉइंट, इसी सुसाइड पॉइंट तो आप लोग पता ही होगा इसे सुसाइड पॉइंट क्यों बोलते हैं, यहाँ से बहुत किसी ने खुद की सुसाइड कर लिया इसलिए। और ये है भी बहुत गहरा, लेकिन उस साइड दिखा नहीं सकते आपको, क्योंकि उस तरफ करते तो कहीं गिर भी सकता था और कोई बंदर लेके भी भाग सकता था, इसलिए तो आप अगर आप लोग कभी जाए तो इस जगह पर भी ज़रूर जाके घूम के आए, एक बार ज़रूर देखिएगा सुसाइड पॉइंट कैसा है। और ये देखिए कितने सारे बंदर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही बंदर थे, और शॉप्स है ना उधर से भी बहुत बार इन बंदरों ने ना सामान सब चुरा के तो नहीं, सामने सब फाड़ के ले जाते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता, कर भी नहीं पाता कि क्योंकि क्या कर सकते हैं आप लोग ये बताइए। सो देखिए अभी हम लोग कुछ नहीं, ऐसी सेल्फी बिल्कुल ले रहे हैं, और ये मेरी मौसी है जो कि ये सेल्फी ले रही है, बोल रही चलो चलो सेल्फी ले रही है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग था। तो देखते रहिए आप लोग वीडियो में
मैं आप लोग के साथ बात करती रहती हूँ। सब तो सेल्फी सेशन चल ही रहे हैं, और एक और बता देती हूँ कि यहाँ मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे सेल्फी लेने से फुर्सत ही नहीं था इसे, तो मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही थी। देखिए हाँ, ये रहे छोटे छोटे शॉप्स, और उस दुकान पे ना देखिए मेरे फूफा जी और मेरी बुआ खड़ी है, हम कुछ ले रहे थे, तो इसके बगल में जो दुकान था ना वही सब बंदर लेके चला गया था, चुरा के लेके चला गया था। सब लोग लंच कर रहे थे यहाँ पे रोड साइड में, और बहुत ही मजा आ रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है के साथ लंच करने का, और रोड साइड में बैठने का बना था, तो बैठ के लंच कर रहे थे, और घर से बना के लेके आए थे, सॉरी घर से नहीं कॉटेज से बना के लेके आए थे चावल और खा ले नहीं अभी तक, और हम चिकन बैठे खा रहे थे, और बहुत मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। वेट कर रही हूँ कि मुझे कब मिलेगा, और आगे डॉगी आ रही थी तो मैं उसे भगा देती हूं, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो में, मैं भी आप लोग से बात करती रहती हूँ। ओह माय गॉड, यम्मी यम्मी। तो ये है रॉक हिल, और यहाँ पे मतलब उसका नाम है रॉक हिल, और यहाँ का भी सीन बहुत 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 ज़्यादा सुंदर था, मतलब कि जस्ट ऑसम, बहुत अच्छा था यहाँ का सीन। और हम लोग यहाँ पे मेरे फोटोशूट कर रहे थे, फोटोशूट नहीं कर रहे थे मतलब ऐसे फोटो सब खिंचवा रहे थे, तो यहाँ पर क्या ही बताओ आप लोग को, यहाँ के लिए रॉक हिल्स है, बस हिल्स ऐसे पड़े एक पीछे रॉक, मतलब पत्थर ही पत्थर सब है, होगा मुझे भी नहीं पता कि इसका नाम रॉक हिल क्यों है, तो मुझे पता नहीं है, तो अगर आप लोग को पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये देखिए मेरे पापा मेरा फोटो सब क्लिक कर दे रहे थे, और बाकी सब लोग भी सब लोग फोटो सब क्लिक कर रहे थे, और मेरी मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही थी। ये जेम्स अंकल है, ये मेरे पापा के फ्रेंड है, तो आप लोग देखा तो आप लोग खड़े थे, तो अभी देखिए अभी ये रहा सीन, देखिए वाटर ब्यूटीफुल सीनरी, आप लोग खुद देख सकते हैं कि हर तरफ ग्रीन ग्रीन हरा हरा कितना अच्छा दिख रहा है। वहाँ से आप लोग दिख रहा होगा आप लोग को पानी जा रहा है, समथिंग थोड़ा सा वाटरफॉल होगा, हाँ देखिए वाटरफॉल है शायद, हाँ से दिख रहे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है। So, ये दिख रहा कौन सा है गाइस, रॉक हिल का ही है, पता नहीं हम यहाँ तो रहता है बेटा, हम उठा कर रहते हैं पापा को फोन, तो हम लोग ना यहाँ पे कुछ हाँ मतलब जैसे ऊपर चढ़ने का, वहाँ से चढ़ के आप लोग वहाँ का फुल व्यू देख सकते हैं ना, मेरे को भेज देना क्योंकि मेरा बैक कैमरा ठीक नहीं है, सेल्फी से किसी जैसे सेल्फी लेने से फुर्सत ही नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो मैं वही कर रही थी। तो ये देखिए ऊपर से सीन कितना अच्छा दिख रहा है, और वहाँ बहुत कुछ रॉक से काट कर कर बनाया गया था, जैसे कि बैठने के लिए और भी बहुत कुछ था, ठीक से याद नहीं है, बट आप विजिट कीजिएगा। हाँ तो हम लोग यहाँ पे खा रहे थे, मतलब घूम घूम के, मतलब लंच तो पहले कर लिए थे, और जैसे कि आप लोग तो पता ही है कहीं भी जाने से उनके खाए भी हो, चाय समोसा वो सब देखे खाने का मन करते ही है, तो हम लोग भी वैसे कुछ कुछ स्नैक्स जैसा खा रहे थे। वहाँ देखिए पूरा पार्किंग है, सब खड़े हुए है, तो बंदर बंदर सफा गया, और देखिए अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इधर दिख रहे सारे मंकीज है, अब तक मैं आप लोग खुद दिखा कि अब तक मैंने आपको कितने सारे बंदर दिखा चुकी हूँ। यह देखिए यहाँ पर भी है, नीचे भी है, बहुत सारे, मतलब कि पूरा एरिया है, जो भी रेस्टिंग प्लेस है वह तो सिर्फ और सिर्फ बंदर ही बंदर है, जस्ट ओनली मंकीज मंकी हर जगह, ऐसा कोई जगह नहीं हो जो आप लोग को दिखाई ना दे। सो देखते रहिए क्या सब बैठी हुआ है, और यहाँ बहुत सारे जगह थे घूमने के लिए, लेकिन हम लोग गए तो हर जगह थे लेकिन सब जगह रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, और जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा वहाँ पे एक मतलब हाइट सा राउंड सा जहाँ सब लोग खड़े हुए हैं, हम लोग वहीं पे खड़े होके रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मतलब और सीन सब भी देख रहे थे, वहीं से सीन दिखता है वहाँ। आई रियली सजेस्ट यू टू ऑल कि आप लोग कोडाइकनाल जाए तो वहाँ का हर जगह घूमें, जरूर घूमें, रॉक हिल और भी जगह था, मुझे नाम से याद नहीं आ रहे, बहुत सी सुंदर सुंदर जगह थे कि मुझे खुद नाम याद नहीं है, आप लोग खुद जाएंगे तब खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितना कितना ज़्यादा अच्छा अच्छा जगह सब है।
ये मेरी बेटी लग रहा था, लेकिन हम लोग फिर भी स्वेटर पहन के नहीं गए थे। और ये देखिए नौटंकी कर रहे हैं मामा, नहीं कर रहे। मेरी मौसी हाथ में स्वेटर पकड़ी हुई है, ठंडा था मतलब वहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग कोई स्वेटर नहीं पहने थे, साइड में रहते थे आप लोगों को। तो ये देखिए अभी हम लोग शायद कहाँ जा रहे हैं, मुझे कोई याद नहीं है। तो बस जा रहे हैं रोड में, अब तो देख सकते हैं ये मतलब रोड में आ गए हम लोग, सब जगह घूम के शायद कॉटेज वॉटेज जा रहे थे हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर ही घर सब है, मतलब माउंटेन के ऊपर, हाँ ऊपर ही घर सब है, वहीं पर घर है। और देख सकते हैं ऊपर सब देखने लायक छोटा छोटा घर सब है, लेकिन है बहुत ज़्यादा सुंदर। तो यहाँ पे सब घर सब ऐसे ही है, सब घर नहीं मतलब मोस्टली घर सब ऐसे ही माउंटेन्स के ऊपर ही है। तो बहुत अच्छा दिखता है व्यू, और मतलब रिकॉर्डिंग तो आप लोग को वीडियो में उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आपको सामने से देखें तो आप कहेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है वहाँ पर। हाँ तो देखिए हम लोग कॉटेज की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब पहुँचे नहीं, बहुत दूर था। तो बस देखिए वहाँ का कोडैकनाल का हरा भरा सीन, कहाँ दिख गया आपको, काला दिख रहा है, काला कैसे हो गया था गोरा से। ये तो यहाँ बैठे बोलो, यहाँ पे भैया दीदी जी मामा बोलता है ना, हाँ अक्का मामा अक्का बच्चा को पापा, हाँ अच्छा है। और अपना पति को भी मामा ही बुलाता है यहाँ पे, जैसे मेरे ही बुलाते हैं ना, तो वो अपना पति को भी मामा ही बुलाता है, जीजा को भी मामा, अपने पति को भी मामा करके ही बुलाता है। कंफ्यूज रिश्ता है लोग का, फिनिशिंग இருக்கா அண்ணா? வீட்டுல இருக்காமா? வீட்டுல இருக்கா? அப்புறம் கூட்டிட்டு வரேன். பைக் சாயந்தரம் அம்மா அங்கதானே இருக்கே அண்ணா, சென்னையில தானே இருக்கே? ஆமாமா, நான் ஜூஸ் கிளம்புற மாதிரி இருந்தது. எங்க மேரி அப்புறம் நீங்க அப்புறம் பாப்பா இருக்கா? மூணு பேரு, மூணு பேர் இருக்கும். रिकॉर्डिंग कर रहे खिड़की से, भैया पूरा रास्ता का रिकॉर्डिंग की है, अभी मेन में जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे भैया, गाड़ी सब कहाँ भैया खिड़की तरफ बैठ के, इतना सुंदर दिख रहा दीदी, इधर साइड से घाटी बस लग रहा है, इससे रिकॉर्डिंग बना हुआ है, मतलब कहाँ पे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, नहीं
मेरे को नहीं दिया था तो। घर में कोई भी दिक्कत होता नहीं भी रहने से घर में हेल्प करना जाता है। बेटा कहीं पढ़ाएंगे बोल रहा है उसकी मम्मी मुंबई में पली बड़ी है। हाँ। उसकी मम्मी पूरा हिंदी बोलती है, हम लोग जैसा पूरा हिंदी बोलती है। उसका हाँ। वाइफ अभी भी हिंदी बोलना उसका सास से बोलना सीख रही है। हाँ। खाली खाली अन्ना को नहीं आता हिंदी बोलने। अच्छा, अच्छा। उसकी मम्मी तो बहुत अच्छा हिंदी बोल लेती है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।